दोस्तों, ये बीच में वीडियो है। हम एलपी में कौर म्यूजियम गए थे। वहां पर ये जो कौर निकलती है कोकोनट के ऊपर, अंदर बाल होते हैं, और इनको पहले कैसे निकाला जाता था, जेब भी बनाई जाती थी, एक एक जैसे सूत काटा जाता है उस तरीके से काटा जाता था। तो पूरी इसमें वीडियो है और फोटोज मैंने लिए हैं, सब कुछ दिखाया गया है किस तरीके से इसका यूज करते हैं। पहले मशीनरी नहीं थी तो हाथ से होता था, बाद में मशीनरी का यूज होने लगा, बड़े बड़े कारपेट, पैरदान और जितनी भी चीज इससे बनाई जा सकती है सब कुछ बनाई गई है। ये देखिए, ताजमहल तक जूट से बनाया गया है, कितना क्लियर मैंने दिखाया है फोटोज में क्लोजअप करके। इसके खोपटे से देखिए, बहुत सारी चिड़िया, उल्लू और ये टेबल लैंप, पैरदान, बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ इसमें शो हो रही हैं। लटकाने वाले प्यारे प्यारे जानवर बनाए गए हैं, टेडी बियर बनाया गया है, ये घोंसले बनाए गए हैं जिसमें कि चिड़िया वगैरह रहती हैं। और इसमें जितनी भी चीज बनाई जा सकती है सब कुछ इसमें बहुत प्यार से दर्शाया गया है। इसमें कितने अच्छे अच्छे बुके बनाए हैं, गमले बनाए हैं, और टेबल लैंप पे बहुत सारी तस्वीरें हैं जो काढ़ कर बनाई गई हैं, और चींटी, मच्छर, कॉकरोच सब दर्शाया गया है। इसमें घड़ा बनाया है, आप देख सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें टंग रही हैं, बैग टंग रहे हैं, चम्मच हैं, ये देखिए स्टार बनाया गया है जो क्रिसमस पर लटकाया जाता है, घर में यूज होने वाले बर्तन, दीपक और बैग, घड़ा, कुंजा, ये हाउस बोट का डिजाइन बनाया गया है, ये इंसानों को पूरा वर्क करते हुए दिखाया है। ये सब कोकोनट से ही बनी हुई है, उसके खोपड़े को क्लीन करके उसको शेप देके बनाया गया। ये पूरा घर कोकोनट के ये सारे पार्ट्सों को यूज करके ही बनाया गया है। ये लटकाने वाला एक टोकरी है जो बनाई गई है, ये जो टूटा हुआ जहाज था, इसमें आप एक एक आकृति प्रकृति को दर्शाया गया है जो आप बड़े तरीके से इसमें देख सकते हैं। मैंने सारी चीज फोटो सेशन करके डाली है। ये वहाँ के किचन के कप, मग हैं, ये स्टूल भी उसी से बनाए गए हैं, ये डलिया बनाई गई हैं, टोकरी जिसको कहते हैं, ये लैंप शेड बनाई गई है बेड के पास, ये बेड और ये पूरा घर इसी से बनाया है। इवन चप्पल भी जूट से बनाई गई है, ये योगा का पूरा सिंबल बनाया गया है, ये पर्दा भी उसी से, ये बास्केट मोदी जी की भी उसी से बनाई गई है जूट से, ये टेबल लैंप और लैंप सब कुछ, पूरा नीचे का फर्श, ऊपर की दीवारें, अलमारी, ये सब जूट का आइटम से बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका फर्श कितना प्यारा है, टेबल भी कितनी प्यारी थी, और इसमें हम सब लोग अंदर जाकर पूरा देखें, बहुत अच्छा पुख्ता बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बैग है, ढोलक है, और ये बड़ा वाला दिया है, टोकरियां हैं, अलग अलग तरह के फेस बनाए गए हैं, और ऊपर लटकाने के बहुत सारे हैंडल्स में लगाने के ये हैं, फेस देखिए गौतम बुद्ध का बनाया गया है, बहुत सारी टोकरियां, बहुत सारे दिए, कुंजा, और कछुए की डिजाइन, मच्छरों की डिजाइन, सब कुछ इसमें बनाया जाने जा सकने वाला आइटम बनाया गया है। ये देखिए इसमें फ्लावर पॉट कितना प्यारा बनाया गया है, और ये अम्ब्रेला भी जो मेरी नातनी पहनी हुई है वो भी जूट से बने हुए हैं, और बहुत सारे इसमें जो पैरदान हैं अलग अलग डिजाइन में, सब ये जूट से ही बनाए गए हैं, मशीनों के थ्रू बनाए जाते हैं ये सब। इसकी मशीनें हमने देखी कैसे लोग यूज करते हैं, किस तरीके से कारपेट आगे बढ़ता है, ये जो घर में डालने वाली डोरियां, अलग अलग डिजाइन, और ये कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सब इसी से बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं सीनरी की डिजाइन दी हुई है तस्वीर में, ताजमहल की डिजाइन दी गई है, बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन हैं। ये देखिए फ्लावर्स, लीफ वगैरह भी डिजाइन दी गई हैं, और जितनी भी आइटम्स बन सकते हैं सब इसमें, बहुत ही प्यारा नजारा है कोर म्यूजियम का। आप भी जाकर देखें किस तरीके से इसमें एक एक चीज बनाकर दर्शाया गया है। ये पूरे
घर का एक नजारा है जो मैं बाहर खड़ी हूँ जिसमें, और मेरी फैमिली के सब लोगों के भी मैंने थोड़े थोड़े फोटोज इसमें डाले हैं। ये मेरी ननद और नंदोई जी हैं। और ये फोटो सेशन कैसा लगा आपको, मेरी वीडियो कैसी लगी आप देखकर बताइए। मेरे हस्बैंड और जीजा जी खड़े हुए हैं, इसमें मैं और मेरी ननद खड़ी हुई हैं। आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे कहने से आप एलपी जाएं और ये म्यूजियम जरूर देखें और इस नज़ारे का फायदा उठाएं। आप ये फोटो देख के भी एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके का ये म्यूजियम है, हम लोगों ने कितना एंजॉय किया है और कितने प्यार से हम ये बना रहे हैं ये वीडियो। और वीडियो के लिए इतनी खुशी हो रही है कि चलो मैं आपको भी म्यूजियम की सैर करा पाई। हम लोगों के साथ आपने ये म्यूजियम देखा, मुझे बहुत खुशी है। और आप खुद भी जाकर वहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। कई वीडियोस कई सीनरीज में ऐसा लगेगा आपको ये दोबारा देख रहे हैं। तो आगे पीछे साइड से मैंने कई फोटोज सेशन किए हैं जो मैं पूरा इसमें दिखाई हूँ। आप देख सकते हैं कितनी तरीके से एक एक चीज जो चुन चुन कर कलर डाल डाल कर ये वीडियो बनाई गई है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है, वो आप देखिए। बहुत ही प्यारा नजारा है दोस्तों, देखने लायक है ये। इसके कोई चीजें ऐसी नहीं छोड़ी गई, जैसे घर में यूज होने वाले बर्तन और हम जो ज्वेलरी पहनते हैं वो, ये देखिए कितने कुंडल हैं, हार है, वो भी बनाया गया है इसमें। आप सोच सकते हैं जूट से क्या क्या चीज बन सकती है, सच में देखने लायक चीज है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर जाकर देखें, आसपास के लोग तो इसको देख ही सकते हैं, दूर से भी आने वाले। देखिए यहाँ पर कितने जानवरों के पोर्ट्रेट, चिमनी और हाथी, गमले, तस्वीरें, कितनी सीनरीज वो सब बनाई हुई हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती इतना प्यारा ये निकलेगा कोर का म्यूजियम। हम शुरुआत में जब गए थे तब हमने ये सोचा भी नहीं था। बहुत ही अच्छा है।